भिलायतीन थाना क्षेत्र अंतर्गत पदुम नगर में घर का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी ने 9 लाख रुपए चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले में भिलायतीन पुलिस जांच में जुटी हुई है। फैक्ट्री संचालक के मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए पार करने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। भिलायतीन पुलिस ने बताया कि पदुम नगर निवासी विभूति भूषण पंडा ग्रेविटी फेरो कंपनी में लेबर सप्लाई का काम करते हैं, साथ ही बारदाना बनाने की पंडा ट्रेडर्स के नाम से उनकी फैक्ट्री भी है। 15 मई को वो ग्रेविटी फेरो कंपनी से लेबर पेमेंट करने एवं पर्सनल लोन के लिए 9.5 लाख रुपए, जिसमें 6.5 लाख रुपए लेबर पेमेंट के लिए और 3 लाख रुपए पर्सनल जमीन खरीदने के लिए अकाउंटेंट अशोक अग्रवाल से लिया था। उक्त रकम को उसी दिन शाम को 7 बजे घर आकर भाई अश्विनी स्वाई के सोने वाले कमरे में जाकर अटैची में 3.5 लाख रुपए तथा शेष रकम 1 लाख रुपए अलमारी के लॉकर में रखकर बंद कर दिया। लॉकर के नीचे बैग में कुल 5 लाख रुपए रखा था। 16 मई को पीड़ित प्रतिदिन की तरह रायपुर गया और फिर घर वापस आने पर मकान का ताला बंद मिला। 17 मई की सुबह 7 से 7:15 बजे रायपुर जाने के लिए बेटे के साथ नीचे उतरा, बाहर की लाइट बंद की, उसके बाद काम पर रायपुर चला गया। शाम को जब लौटा तब कमरे का ताला टूटा पड़ा मिला। घर की अलमारी का सामान भी बिखरा मिला, उसमें रखा हुआ 9 लाख रुपए गायब हो गया। ये पदुम नगर निवासी है विभूति भूषण पांडा, जो रायपुर में टू टीएमटी सीरिया बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पर ठेकेदारी का काम करते हैं। इनका खुद का भी यहाँ पर ठेकेदारी के कुछ काम चलता है। दिनांक 15/5/2022 को ये लेबर पेमेंट और कुछ अपने निजी काम के लिए 9.5 लाख रुपये कंपनी से लेकर आए थे और उसको घर में रख के रोज़ प्रतिदिन की भांति रायपुर काम करने के लिए चले जाते थे। घर में कोई नहीं था। इसी दौरान 17 तारीख को शाम को जब वे वापस आकर अपने घर में देखे तो ताला टूटा हुआ था। इनके द्वारा जो रखी गई रकम कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया था। प्रकरण में तस्दीक करने उपरांत जो है अपराध पंजीबद्ध कर बेचने में लिया गया है और सभी टीमों को जो है घटना की गंभीरता को देखते हुए जो है सूचना दिया गया। डॉग स्क्वाड की टीम है, FSL की टीम है और फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट्स हैं, साथ ही हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पर आने के लिए उपस्थित हुए थे। तो सभी के दिशा निर्देशन उपरांत जो है इसमें सघन विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। आसपास खोजबीन करने के बाद कोई जानकारी नहीं मिलने पर भिलायतीन पुलिस ने अपराध कायम कर लिया है और पुलिस जाँच में जुट गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलायतीन चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।